हैंडल को नीचे कीजिए और जमीन के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। ये हैंडपंप का आधा कटा हुआ व्यू है। देखिए कैसे हैंडल को दबाने से पानी ऊपर आ रहा है। जब हैंडल को नीचे धकेला जाता है तब पिस्टन ऊपर आ जाता है, जिस पिस्टन वाल्व बंद हो जाती है और नीचे वाली वाल्व खुल जाती है। पिस्टन वाल्व के नीचे वैक्यूम बन जाता है और वैक्यूम को भरने के लिए पानी ऊपर आ जाता है। जब हैंडल को ऊपर किया जाता है पिस्टन नीचे जाना शुरू कर देता है और पिस्टन के नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पिस्टन वाल्व खुल जाती है और पानी को ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसी दौरान नीचे वाला वाल्व वेट के कारण बंद हो जाता है और पानी को वापस नीचे जाने से रोक देता है और यह प्रोसेस इसी प्रकार चलता रहता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।